और ब्रेक के बाद न्यूज़ एट नाइन में एक और अहम खबर। G20 इजलास के पेश नज़र वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। श्रीनगर के IG रोड पर भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। IG रोड पर भी सिक्योरिटी इकदामात को बढ़ा दिया गया है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। IG जो कि एक ऐसा रास्ता है जब G20 इजलास में शिरकत करने वाले मेहमान आएंगे उनको यही रास्ता यानी उन्हें इसी रास्ते से गुजरना है। ऐसे में IG रोड पर एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। IG रोड पर दिन और रात सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखने के साथ साथ गाड़ियों की भी गहरी तलाशी ली जा रही है। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने यहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा कुछ यूं लिया। G20 मीटिंग के पेश नजर वादी के मुख्तलिफ मकामात पर जिस तरह से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं वही IG रोड पर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। हम IG रोड पर मौजूद है। यहाँ पर पुलिस और आर्मी ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए हैं। फ्रिस्किंग के साथ साथ दीगर जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं क्योंकि IG रोड एक ऐसा रोड है ये कश्मीर का गेटवे भी कहलाता है क्योंकि एयरपोर्ट का ये रोड है। एयरपोर्ट से जब डेलीगेशन आएगी किसी भी तरह की कोई भी ना खुशगवार वाकया ना पेश आए उसी के पेश नज़र ये यहाँ पर ये सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये बेसिकली एहतियाती तौर पर ये तदाबीर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना रही है IG रोड के मुख्तलिफ मकाम पर। जैसे मैंने पहले ही कहा पुलिस ने जैसे नाके लगाए हैं आर्मी ने कई मकाम पर नाके लगाए हैं वही मुख्तलिफ मकाम पर फ्रिस्किंग भी की जा रही है। गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। इस बात को यकीनी बनाया जाए क्योंकि जो आने वाले वक्त में G20 का इजलास यहां पर होगा वो अच्छे माहौल में हो और सिक्योरिटी की किसी भी तरह की कोई भी चूक न हो। न्यूज 18 के लिए IG रोड हुमामा से मैं आबिद हुसैन। नारस्तान त्राल में आज के इस जदीद दौर में भी मोबाइल नेटवर्क न होने के बराबर है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे इस दौर में अक्सर सहूलियात ऑनलाइन दस्तयाब हैं लेकिन वो नाकिस मोबाइल नेटवर्क की वजह से इन स्कीमों का फायदा उठाने से कासिर हैं। लोगों ने जियो हुकाम से इलाके में एक टावर नस्ब करने की अपील की है ताकि उनके मसाइल का इजाला हो सके। यहाँ सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें जो टावर की प्रॉब्लम है यहाँ जियो टावर लगना चाहिए उसकी। हमारे जो आजकल जो मॉडल इंडिया है तो हमें जो आजकल जो हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास दे रहा है हमें इनको मुश्किल पड़ती है। इन बच्चों को हमें यहाँ से हमारे बच्चों को 3 किलोमीटर दूर नेटवर्क में जाना पड़ता है फिर ऑनलाइन क्लास उनको देना पड़ता है। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं LG मनोज सिन्हा से मेहरबानी करके हमारा जो ये बिछड़ा हुआ इलाका नारगिस्तान है इसकी तरफ तवज्जो दिया जाए, यहाँ एक जियो टावर लगना चाहिए। हरकुनि गुतरु जनाब नारस्तान या बंडार या गुजर बसी दरागर जनाब अत मे जबरदस्त प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम कि टावर टोटली कहें इसलिए इस रिक्वेस्ट करा कि जबरदस्त प्रॉब्लम अमिश कि मतलब टावर गोम जरूरी इन इन हाव ग हालत मे जनाब सर यह सो मसल जनाब हल क्या वो वा कि मतलब पड़ान एजुकेशन वन मतलब अथ पे सोरे कह मगर कहें तो वन सब प्रॉब्लम कि पसवान इनशाला रिक्वेस्ट करें। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपोर में नौजवान खेलकूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हालिया दिनों इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद इंटरनेशनल मिक्सिंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मार्शल आर्ट काउंसिल के 22 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मेडल्स जीते हैं जिनमें गोल्ड और सिल्वर मेडल शामिल है। इलाके में अब नौजवान लड़के लड़कियां मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और खिलाड़ी दीगर मुनाकिद होने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भी खास तैयारी करते नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि कस्बे पामपोर में नौजवान दिन ब दिन मुख्तलिफ किस्म के खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुझे सेकेंड वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मिला है। मेरी फाइट गुजरात की एक लड़की के साथ थी और मैंने वहाँ अपने आप को प्रेजेंट किया और खास तौर पर अपना नाम रोशन किया और अपने इंडिया का नाम भी रोशन किया। वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लिया है और वहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स आई थी, कंट्रीज आई थी, जैसे महाराष्ट्र आया था, नेपाल आया था, श्रीलंका आया था, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेडल लिया। तो हमने ये इंटरनेशनल खेला पोलो ग्राउंड में, ये मतलब जो हम इस लेवल पे है इस सारा कुछ सराजर की वजह से है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स सपोर्ट, स्पेशली माई पेरेंट्स सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ माई कोच सराजर और हम इसकी वजह से यहाँ पे हमने गोल्ड मेडल जीता। इसमें हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। शो
क्योंकि मैंने गोल्ड निकाला है और हमने हमारा जो है हमारा इंटरनेशनल हुआ था श्री कश्मीर इंडोर। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी कंट्री का और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मेरा नाम अनिका रियाज है, मैंने सेकेंड मिक्स बॉक्सिंग में रिसेंटली सिल्वर जीता। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और अपने कोच की अपने कोच का। हमने 25 मेडल हासिल किए, ये हमारा 100% रिजल्ट रहा इस चैम्पियनशिप में और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे आई थी। ओवरऑल हमने जम्मू कश्मीर ने करीब 34 मेडल्स हासिल किए और जिसमें करीब 18 मेडल गोल्ड थे और 10 जो है सिल्वर थे और बाकी के 8-10 हमारे ब्रॉन्ज हासिल हमने किए जम्मू कश्मीर में।